हे एवरीवन, एक और नए वीडियो में, जिस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एक और बहुत अच्छा न्यूज़ जो कि आपको या तो पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताने वाला हूँ कि अभी भी आपके चांसेस है, लाइक जिनको 10,000 तक सीट पिछले ईयर मिला था तो अब उनको मिलकर 13,000 या 14,000 तक भी सीट मिल जाएगा। इसका रीज़न क्या है तो चलो इस वीडियो में हम देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपको कुछ ना कुछ समझ में आए इस वीडियो से, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दो, टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर लेना, मैं जो भी अपडेट्स होता है वो टेलीग्राम पे दे दिया करता हूँ। सो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो चलो हम जाते हैं ऑफिशियल पेज पर, जिसमें कि बताया हुआ है कि जो भी क्या कितना सीट्स इंक्रीज हुआ है और क्या हुआ है। सो चलो, जैसा कि आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है, ये ICR का ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है 2020-2022 का। तो इसमें देखिए क्या जो नोटिस आया है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, ICR जो ये आपका 2022 का, इन 2020 ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन शैल बी कंडक्टेड फॉर द एडमिशन बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन एग्रीकल्चर एंड अलाइंस साइंसेज, जो भी आपके कोर्सेज में। सो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज ऑन 15% इंक्रीज टू 20% ऑफ द यूनिवर्सिटी। इसमें बोल रहा है सीधा सीधा जो भी आपकी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जिसमें कि पहले 15% सीट्स ICR के थ्रू फिल होती थी, वो अब लाइकली 20% इंक्रीज़ होगी। लाइक अगर किसी भी सीट, अगर किसी यूनिवर्सिटी माना कि 20 एग्रीकल्चर का सीट्स है, तो आप इसमें उसको 5% और बढ़ा के जस्ट आप बोल सकते हो कि उसमें आपका 30 सीट्स हो जाए, या नहीं तो उसमें आपका जितना भी सीट्स है उसके बेसिस पे जितना 25 सीट, मतलब कुछ ना कुछ सीट्स आपका इंक्रीज होगा। तो ओवरऑल जो अभी आपका जितना भी सीट्स दिया हुआ था लास्ट ईयर के काउंसलिंग ब्राउचर में, तो वो आपका आपकी बार इंक्रीज़ होगा। देन उसके बाद में देखिए क्या लिखा हुआ है, देन 100% सीट्स इन जो आपकी रानी लक्ष्मीबाई झांसी, NDRI करनाल, IRI और जो आपका IRI न्यू दिल्ली, इसमें लिखा हुआ है न्यूली इनिशिएटेड। अब न्यूली इनिशिएटेड इसमें देखते हैं कि UG का कोर्सेज कौन सा UG का कोर्स आता है, वो आपको काउंसलिंग ब्राउचर में पता लगेगा IR में। एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो इनमें 100% आपका जो सीट्स होता है वो फिल होगा ICR के थ्रू, कोई अदर एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू फिल नहीं होगा। सो फर्दर नॉट मोर, इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान देखिए, फर्दर नॉट मोर 40% कैंडिडेट्स फ्रॉम एनी वन स्टेट शैल बी एडमिटेड एनी यूनिवर्सिटी इन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट और कैटेगरी। इसका कहने का मतलब है 40% से ज़्यादा कैंडिडेट किसी भी एक स्टेट का, किसी भी एक यूनिवर्सिटी का, एक कैटेगरी में आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में मीन्स उसमें एडमिशन नहीं ले पाएगा, और एक पर्टिकुलर कैटेगरी का 40% से स्टूडेंट, ये इसमें बताया हुआ है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि जो मैंने आपको बताया इसमें। देख एक चीज़ और इसमें लिखा हुआ है कि कोई भी ICR के अलावा, देखिए द नो प्रोविज़न डायरेक्ट एडमिशन, आपको ICR के अलावा आप कहीं वैसे एडमिशन नहीं ले सकते हो इनके कोर्सेज में, लाइक एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, तो इसमें आपको ICR एग्ज़ाम देना मस्ट है। तो मैंने आपको इसलिए ही बोला क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपका सीट्स इंक्रीज होता है, सीट्स तो इंक्रीज़ होगा क्योंकि ICR ने आपका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में लिखा हुआ है जो कि ऑफिशियल है, और सीट इंक्रीज़ होता है तो जो सीट्स जनरल कैटेगरी और OBC जो 10,000 रैंक तक आपको BTech बायोटेक्नोलॉजी पूरा कोर्सेज 10,000 रैंक में सिमट जाता था PCB वालों के लिए, तो वो आप जाके इंक्रीज़ हो जाएगा 12,000 से 13,000 रैंक में। अब आप सोच सकते हो जब 13,000 तक आपको जनरल और OBC के लिए मिलने लग जाएगा, और रीज़न क्या है, देखो आपकी बार स्टूडेंट कम बैठा है। दूसरा रीज़न है देन आपका क्या कि फर्स्ट तो स्टूडेंट ने एग्जाम्स कम दिया, जो कि आपको पता है 61,000 के अप्रॉक्स स्टूडेंट अपीयर हुए हैं। दूसरा कि आपकी बार सीट्स भी इंक्रीज़ हो रही है, तो इसलिए आपको कॉलेज मिलने के ज़्यादा चांसेस, क्योंकि जब आप सोचिए जब लास्ट ईयर ही आपका 2800 के समथिंग 2800 मैंने एग्जैक्ट बताया हुआ है जितना सीट्स था, तो उसमें 10 के तक गया। अब आपके पास सीट्स इंक्रीज़ हो रहा है, कॉम्पिटिशन कम है, तो ऑब्वियसली आपका कट ऑफ कम जाएगा, इसलिए जिनका ज़्यादा रैंक है तो उनको भी कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। सो अपना जो भी होप है वो लूज़ मत करना, और अच्छे से काउंसलिंग पार्टिसिपेट करना, और चॉइस फिलिंग करना बहुत ज़रूरी है, अच्छे से कॉलेजेस को चॉइस फिल करना, सो जिससे कि आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हो और आप अच्छे से अच्छा यूनिवर्सिटी ले पाएं। तो चलो आपको मैं कुछ और भी बताता हूँ। देन उसके बाद में जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग का आइडिया नहीं है और उनको कॉलेजेस के बारे में पता नहीं है और उनको काउंसलिंग मीन्स आता नहीं, तो वो हमारा पर्सनलाइज काउंसलिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। सभी स्टूडेंट के लिए नहीं, जिनको प्रॉब्लम होता है वो ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ नंबर आपको डिस्प्ले दिए होंगे जिसका 499 प्राइस है, जिसमें आपका कंप्लीट काउंसलिंग हमारे द्वारा करके दिया जाएगा। सो जिससे कि, और अगर आप खुद से भी करें तो इतने आप ऐसा इस बे में काउंसलिंग करें जिससे कि आपको सीट मिल जाए, आपको बाद में रिग्रेट ना हो कि मैं वो सीट डिजर्व करता था और वो मेरे को मिली नहीं किसी भी आपके पर्सनल रीजन से। तो उसे कॉन्टैक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है।
सो इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक।